चाहे मंदिर हो या मस्जिद, या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। देश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले को लेकर शुक्रवार को उप तहसील कार्यालय में मंडार के ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। यूपी के हाथरस में अपने परिवार के साथ खेत में कार्य कर रही दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप कर उसकी जीभ काटी गई, गर्दन में 3 हड्डियां व हाथ पैर तोड़े गए। इतनी बेरहमी से करतूतें की गई जिससे मंगलवार को सफदरगंज अस्पताल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों को उसका शव भी नहीं सौंपा गया। पुलिस द्वारा रात्रि में ही अंतिम संस्कार करने पर मानव समाज बहुत ही स्तब्ध और दुखी है। वहीं उत्तर प्रदेश के एक और मामले में बलरामपुर जिले के गैसंडी इलाके में कॉलेज की छात्रा का पहले अपहरण किया गया, फिर नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके हाथ पैर तोड़कर हत्या कर दी। वहीं राजस्थान के सिरोही जिले के अनादरा क्षेत्र में भाई के साथ नहाने गई नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर गला घोटकर हत्या कर दी, जिसको लेकर आज मंडार के ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप तहसील कार्यालय में इकट्ठा होकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और इन गैंगरेप की घटनाओं को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाने व आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता व समाज सेवी मफतलाल बुनकर, शकुर भाटी, महेश अग्रवाल, लहरा राम भाट, रमेश जोशी, शुकुर खान पामेरा, ललित कुमार भाट के ग्रामीण जन मौजूद थे। पटवारी साहब को यहां ज्ञापन दिया गया है, इसलिए हमारे साथ में मौजूद है मंडार के ग्रामीण एवं वार्ड सदस्य शकुर खान भाटी। आइए इनसे जानते हैं। शकुर भाई, आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया उप तहसील कार्यालय में? यूपी में जो घटना हुई है वो बहुत ही भयानक घटना है। उस मनीषा को रात को 1 बजे पुलिस द्वारा उसको रात को बिना पोस्टमार्टम के जला दिया है और लोगों में भारी आक्रोश है। इसलिए हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के बैनर तले योगी आदित्यनाथ का पुतला भी जलाया है।